कौन के खुरन की धूल आपकी जटा आपकी लटान के ऊपर केसन के ऊपर छा जाए है, वे घुंघराली काली अलकावली जब कपोलन पे चिपक जाए हैं और वास में हम खड़े है के दर्शन करें तुम्हारे श्रीमुख के, तो हमारी आंखन की पलक, हमारे आंखन की पलक जब झपके हैं वास में हम ब्रह्मा को गारी गए हैं। अरे मरे ब्रह्मा तू कहा सोच करके पलक बनाए गयो, अरे कम से कम प्रेमीन की आंखन में तो पलक न बनाम तो जो कन्हैया को बिना पलकन के निहार तो लेती। हाँ ये पलक हमें देखन हूँ नहीं दे हैं, यदि पलक न होती तो पेट भर के निहार तो लेती। प्रेमीन की पलक ब्रह्मा तेने अच्छो ना कियो। अस्तु ऐसे जो आपका श्रीमुख है आपके चरणारविंद गुलाब की पंखुड़ी ते अधिक कोमल है, इन गुलाब की पंखुड़ी जैसे कोमल चरणन को प्रभु हमारे हृदय पे धर देओ ताकि हमें ये अहंकार समूल नष्ट कर दे के लिए मिल जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। इस प्रकार से गोपियां रुदन कर रही हैं प्यारे परीक्षात, उसी समय भगवान पीताम्बरधारी गोपियों के मध्य में प्रकट हो गए, चारों तरफ से गोपियां उन्हें घेर के बैठ गई। सब गोपियों ने कहा नंद लाड़ले की जय हो, यशोदा नंदन की जय हो, ब्रजराज कन्हैया की जय हो, दाऊ के भैया की जय हो, कृष्ण कन्हैया की जय हो। आनंद हो गया, ऐसी गोपी मिली जैसे प्राण निकला हुआ शरीर उठ करके अपने प्रीतम से मिलता है। अब तो गोपियों ने प्रश्न किया है धर्मशास्त्री जी पतिव्रत धर्म को तुमने बड़ो वर्णन कियो, अब हमें केवल कृपा करके ये बताओ कि जो प्यार करने वाले हैं और उनते जिनते प्यार करे हैं उनको कहा धर्म और कैसो मत है, अर्थात एक दूसरे ते जो प्यार करे हैं वे कौन होए हैं, और दूसरे जो प्यार करे हैं और उनको प्यार को दूसरों नहीं समझ करके प्यार नहीं करे उनको कहा है वो कौन है, और जो दोनों को त्याग दे उनको कहा धर्म है। लाल जी बोले बैठो पर मैं खड़े है के सुनांगो। गोपी बोली नहीं वक्ता बिना आसन के विराजमान नहीं हुए है। तब गोपियों ने अपनी चूनरी ओढ़नी उतार उतार करके एक के ऊपर दूसरी तीसरी चौथी, प्यारे परीक्षक 16,000 चूनरी बिछा करके कन्हैया से कही कन्हैया ये हमारी ओढ़नी नहीं है, शुद्ध पवित्र वस्त्र भी नहीं है, ये हमारी लाज है, हमारी इज्जत तुम्हारे चरण में। लग चुकी बाजी अब तो लग चुका दाव रे, तेरा फैसला क्या है बता मेरे सामने। लग चुकी बाजी अब तो लग चुका दाव रे, तेरा फैसला क्या है बता मेरे सामने। मेरा मेरा इम्तहान लेने आया है जमाना, मेरा इम्तहान लेने आया है जमाना, तेरे हाथ में है जिताना हराना, तेरे हाथ में जिताना। अपना बना लो नहीं डूबेगी नाव रे, अपना बना लो नहीं डूबेगी।
खड़ा रहे हैं अब तो लड़खड़ा रहे हैं अब तो उम्मीदों के पांव रे लड़खड़ा रहे हैं अब तो उम्मीदों के पांव रे अब तेरा फैसला क्या है बता मेरे सामने तेरा करने वाले दोनों एक दूसरे से स्नेह करते हैं उनका प्यार स्वार्थ का है पशुवत है। एक गाय दूसरी गाय को चाटती है जब तक भोजन का सामान स्वार्थ का सामान उनके सामने नहीं आता तभी तक उनका प्यार है, उसके बाद उनका प्यार पशुवत प्यार है। और जो प्यार करने वाले से कोई उम्मीद न रख करके प्यार करते हैं, एक प्यार करता है परंतु दूसरा नहीं कर रहा है, वो माता पिता के समान है। बच्चा तो जानता ही नहीं कि प्यार करने वाले कौन है, वो धर्मात्मा है। जो बिन भजते न भजते जो धर्मी शुभकारी जैसे माता पिता करत सुत की रखवारी। और जो प्यार नहीं करने वालों से अथवा करने वालों से दोनों से उपराम है अलग है, उनके तीन भेद हैं। एक आत्माराम है, दूसरा पूर्ण काम है और तीसरा कृतघ्न है और एक चौथा और है। बोले वो कौन है? बोले वो है गुरुद्रोही। आत्माराम, गोपियां बोली क्यों रही ये आत्माराम है? बोले ना। बोले पूरन काम है? बोले ना। तो बोले ये कृतघ्न है? बोले नहीं। तब कौन है? बोले ये गुरुद्रोही हैं, हम इनके गुरु हैं गोपी और कन्हैया हमारे शिष्य हैं, हमने झाड़ू ते झाड़ू कहवो सिखायो, रोटी ते रोटी कहवो सिखायो, मैया ते मैया कहवो सिखायो और गैया ते गैया कहवो सिखायो। आज ये हम गुरु की भाषाएं सीख के हम ते रूठवे लगे हैं, या लिए ये गुरुद्रोही हैं। तब तो गोपियों के सामने कन्हैया रोने लगे, प्यारे परीक्षित में हाथ जोड़ करके कह रहे थे नपार ये हम निरवध्य संयुजा स्वसाधु कृत्यम विबुधायुषापवा यामा भजन दुर्जन ग्रेह श्रृंखला समृश्य तद्व प्रतियात साधु। हे साधु गोपियो, जैसे पूरा संसार मेरे पार को नहीं पाता है कि मैं कौन सी लीला कर रहा हूँ, क्या लीला है, इसका अर्थ क्या है, जैसे संसार मेरा पार नहीं पाता ऐसे ही तुम्हारे प्रेम की माया का मैं भी पार नहीं पा रहा हूँ।
मैं संसार का अंतर्यामी हूं पर तुम मेरी अंतर्यामी हो। संसार मेरी माया में बंधा हुआ है परंतु तुम्हारी प्रेममयी माया में मैं कृष्ण बंधा हुआ हूं। जो तुमने किया है वो संसार में कोई नहीं कर सका है। तुम्हारा तन्मयता, तदीयता, तदालापता और तच्चेष्टा, ये चारों वस्तुओं से मैं परम प्रसन्न होकर के अब मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ, कर्जदार हो गया हूँ। परीक्षित ने कहा, दादाजी कन्हैया गोपियों के पति तो नहीं थे, क्या उन्हीं की कथा सुना रहे हो? और ये गोपियों के पति भी कन्हैया नहीं थे, इन गोपियों ने अपने पतियों को छोड़ करके श्री कृष्ण से प्यार किया और श्री कृष्ण ने उनके गले में गलवाई डाल करके रासलीला की। भगवान तो धर्म की रक्षा करने प्रकट हुए थे, फिर उन्होंने ये अधर्म क्यों किया? परीक्षित की वार्ता सुन करके आचार्य सुखदेव स्वामी ने कहा, अरे मूर्ख, धर्मम व्यतिक्रमो दृष्टो ईश्वराणाम च साहसाम तेजीयसाम न दोषाय वन्य सर्वभुजो यथा। तू क्या कह रहा है? संस्थापनाय धर्मस्य प्रश्नाय तरस्य च अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। उस जगदीश्वर भगवान ने ये अपराध किया? नहीं, ईश्वर को अधिकार है। नहीं तत् समाचरे जातो मनसापि हनीश्वरो विनिश्चित्याचरे मौध्यान यथा रुद्रोजदम विषम। नहीं समझ रहा है तू? अरे गंदी से गंदी नाली भी गंगा जल में गिर करके वो गंदी नाली नहीं रहती, वो क्या हो जाता है?